तो वेरी वेलकम टू माय चैनल। जैसे हम लोग प्रीवियस वीडियो में लास्ट 3 वीडियो से हम लोग डिस्कशन कर रहे थे थ्योरी पार्ट का, ठीक है। उसमें हम लोग देख रहे थे कि आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल क्या है, क्या क्या डिस्कशन किए थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में हम लोग डिस्कशन किए थे वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट, पोरोसिटी, ठीक है, यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, ठीक है, सैचुरेटेड यूनिट वेट, फिर आपका था समर्ज यूनिट वेट। इसके बाद हम लोग एयर कंटेंट निकाले, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड, तो इस तरह से बहुत सारा प्रॉपर्टीज डिस्कशन किए थे। उसके बाद इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी भी था ना। उसके बाद हम लोग डिस्कशन किए रिलेशनशिप बिटवीन इस प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि आपस में इस जितनी भी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए क्या क्या रिलेशनशिप था, जैसे वेट ऑफ बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू क्या था, वेट ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड प्लस 1 into 1 प्लस वाटर कंटेंट, डैट मीन्स वह यूनिट वेट ऑफ ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू क्या था, बल्क यूनिट वेट 1 प्लस वाटर कंटेंट। इसी पोरोसिटी और वाटर वॉइड रेशियो के बीच में रिलेशन था, पोरोसिटी इज इक्वल टू क्या था, वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाई 1 प्लस वॉइड रेशियो। वैसे ही आप वॉइड रेशियो को इन टर्म्स ऑफ पोरोसिटी निकालिएगा तो एन बाई 1 माइनस एन 1 था। उसी तरह से जब देखिएगा सैचुरेटेड आपका बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू क्या था, गामा डब्ल्यू जी एस प्लस एस ई प्लस 1 प्लस ई। सिमिलरली जब हम लोग ड्राई यूनिट वेट निकाल रहे थे तो क्या हो जाएगा, ये गामा डब्ल्यू जी एस 1 प्लस ई। तो इस तरह से बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ के आपस में रिलेशनशिप को देखे थे, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस आती है एग्जाम्स में, खासकर जो बीटेक की आपका एमटेक का सेमेस्टर एग्जाम्स होता है या आईएएस का, जब आप लिखिएगा आप गेट वेट जहाँ भी लिखिएगा आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आती है, किसी क्वेश्चन आती है उसके उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन है, पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए फिर उसको हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वेट सॉइल, वेट इज 20 किलोन्यूटन, करेक्ट, इट्स ड्राई वेट इज 18 किलोन्यूटन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स is 2.67, determine the porosity, water content, void ratio and the degree of saturation and draw the phase diagram। देखिए कितना पार्ट क्वेश्चन है इसमें, हमें दिया क्या हुआ है कि कह रहा है कि 1 क्यूबिक मीटर सॉइल सैंपल है, उसका जो वेट है 20 किलोन्यूटन है, बट उसमें जब हम लोग ड्राई वेट निकालते हैं तो ड्राई वेट हो जाता है 18 किलोन्यूटन। उस सैंपल सॉइल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है सॉलिड्स का वो 2.67 है, तो हम लोग को निकालना है क्या है, पोरोसिटी, वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड लास्ट में हम लोग को फेज डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। देखिए पहला स्टेप है कि हमें क्या क्या दिया गया है उसको लिख लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा सोल्यूशन गिवन डाइट दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है 1 क्यूबिक मीटर 1 मीटर क्यूब, टोटल वेट कितना दिया हुआ है 20 किलोन्यूटन, ठीक है, ड्राई वेट कितना दिया हुआ है 18 किलोन्यूटन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड कितना हुआ है 2.7, इतना गिवेन है। हम लोग को निकालना क्या क्या है, हम लोग को निकालना है वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, इसके बाद निकालना है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट, ठीक है, और उसके बाद हम लोग को फेज डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो यही हमारा है फेज डायग्राम। देखिए ये हमारा क्या है फेज डायग्राम, यहाँ पे तो बहुत सारा निकला हुआ है बट अभी समझिए, फेज डायग्राम है, इस साइड वाला है ये वॉल्यूम, ठीक है, अलग अलग देखिएगा तो यहाँ पे होगा वॉल्यूम ऑफ एयर, यहाँ पे होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ पे होगा वॉल्यूम ऑफ वाट सॉलिड्स, सिमिलरली यहाँ पे होगा वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाट ये एयर का हो जाएगा वाटर और वेट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, तो इस तरह से होगा दोनों साइड। तो टोटल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम 1 मीटर, इसीलिए लिख दिया वी इक्वल टू वॉल्यूम। हमें निकालना है, आगे जो निकालना है वो बताएंगे, और टोटल वेट कितना दिया हुआ है, ये है आपका 20 किलोमीटर, अगर टोटल वेट 20 है और वेट ऑफ सॉलिड कितना है 18, ठीक है 18 किलोमीटर, तो आपको पता ही होगा टोटल वेट है अगर 20, ड्राई वेट है आपका 18, तो वाटर का वेट कितना होगा, तो सिंपली इन दोनों को डिफरेंस कर देंगे तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये यही 2 लिखा हुआ है वेट ऑफ वाटर, बट हम आगे उसको डिटेल से सोल्यूशन देखेंगे। देखिए सोल्यूशन क्या है, तो हम लोग को कुछ सिम्बॉल यूज किए उसको याद रखना पड़ेगा, जैसे W क्या है वेट ऑफ वाटर, VV क्या है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, VA क्या है वॉल्यूम ऑफ एयर, VW क्या है वॉल्यूम ऑफ वाटर, VS क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, उसी तरह से W क्या होगा टोटल वेट, टोटल वेट में से क्या क्या आएगा वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ
सॉलिड। तो देखिएगा क्वेश्चंस में, वेट ऑफ वाटर टोटल वेट दिया हुआ है कितना है 20, और वेट ऑफ ड्राई वेट कितना दिया हुआ है 18। तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे दोनों चीज़। तो टोटल वेट कितना है 20, ड्राई वेट कितना दिया हुआ है 18। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं वेट ऑफ वाटर कितना निकला 2 किलोन्यूटन। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे फेज डायग्राम में डाल दिए हैं 2 किलोन्यूटन। यहाँ से यहाँ तक क्या है वाटर का वेट है, करेक्ट। तो टोटल यहाँ का काम खत्म हो गया, चूंकि वेट ऑफ एयर क्या होता है 0, तो 0 हो जाएगा। तो टोटल को ऐड करिएगा तो 20 दिया हुआ है, और इन दोनों को 18+2 को जोड़िएगा तो भी 20 आता है। तो पहला स्टेप खत्म। नेक्स्ट स्टेप में हमें जो डेटा की नीड है उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए हमें पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या था, वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू वेट ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर। सेम चीज़ को यहाँ पे रखिएगा, तो वॉल्यूम यहाँ से हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाटर सॉलिड लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करके कैसे लिखिएगा, वेट ऑफ सॉलिड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इंटू वाटर, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ सॉलिड कितना है गिवेन था, ड्राई यूनिट वेट देख लीजिए कहाँ कितना दिया हुआ था 18 किलोन्यूटन, ठीक है। तो कितना है आपका वेट ऑफ सॉलिड 18 किलोन्यूटन। जीएस भी दिया हुआ था 2.67, और आपका गामा डब्ल्यू ये पता ही है सबको 9.81 कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा गामा वाटर 9.81 किलोन्यूटन होता है, किलोन्यूटन मीटर क्यूब, करेक्ट, ये हमेशा गिवन रहता है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करिएगा तो ये हमारा आता है 0.68। क्या ये क्या निकला, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, ये क्या निकला वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 6879। तो इसी चीज़ को हम लोग फेज डायग्राम में लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, देखिए टोटल वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब, उसमें से सॉलिड का वॉल्यूम कितना आ गया 0.6879 मीटर क्यूब, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पे लिख लिए हम लोग, ये वाला पार्ट किसका है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का। सिमिलरली आगे देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकल गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, देखिए यूनिट वेट क्या होता है वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या आ जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू वेट ऑफ, ठीक है, सॉरी वेट ऑफ बाय गामा डब्ल्यू, करेक्ट। इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 बाय वेट ऑफ वाटर निकाल लिए थे हम लोग 2 किलोन्यूटन बाय 9.81। तो ये कितना आ रहा है हमारा 0.2041, कितना आ रहा है 0.041। तो यहाँ पे हम लोग फेज डायग्राम में इसको भी हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये कितना आ गया वेट ऑफ वाटर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वाटर 0.2241 मीटर क्यूब, करेक्ट। तो हमारा कितना काम हो गया, वेट ऑफ वाटर निकल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकल गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल गया, ठीक है। अगला कैलकुलेशन देखिए, यहाँ तक हो गया। अगला हम लोग निकालना चाहते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, कैसे निकलेगा, टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर को क्या बोलते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ वाइड। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तब टोटल, तब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करिएगा, क्या लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ वाइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। टोटल वॉल्यूम कितना था 1 मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अभी निकाल रहा है कितना निकल रहा है, क्या आ रहा है 0.6879, इसको अलग करिएगा तो वॉल्यूम ऑफ वाइड कितना हो गया 0.031 तो इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की वॉल्यूम, करेक्ट, तो यही वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या हो जाएगा 0.3121, ठीक है, तो इसको भी लिख लिए। अगला स्टेप देखते हैं, सब चीज़ का यूज है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप निकालना स्टार्ट किया, क्या क्या हम लोग को निकालना था, याद रखिए कि एक वाटर कंटेंट था, वॉइड रेशियो था, पोरोसिटी था, डिग्री ऑफ सेचुरेशन था, ये चार चीज़ निकालनी है, ठीक है, याद रखिएगा वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी और डिग्री ऑफ सेचुरेशन। हम लोग का अब सब कुछ निकल गया है, ठीक है, हमें जो डेटा चाहिए था आप देखिए निकालते कैसे। वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या था, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड, तो वेट ऑफ वाटर कितना था 2, और वेट ऑफ सॉलिड कितना निकल के आया 18, दोनों का डिवाइड करिएगा तो क्या कितना आ रहा है ये 0.0111, या इसको परसेंटेज में लिखिएगा, इसी में 0.1111 में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये कितना बन के आ जाएगा 11.11%, ठीक है, दोनों आंसर करेक्ट है। दूसरा चीज़ हम लोगों को निकालना है, ये हो गया वाटर कंटेंट, तब निकालना है कि हमारा वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो क्या आता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अब ये निकाले, यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना आया है 0.321, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यहाँ पे निकाल चुके हैं हम लोग 0.6871, तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं दोनों डेटा 0.3121 बाय
0.6879 डालिएगा तो ये कितना आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाइड रेशियो 0.45। तो हमारा ये सेकेंड केस भी कंप्लीट। थर्ड वर्क हम लोग को मिला था पोरोसिटी निकालने के लिए। व्हाट इज द पोरोसिटी, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स बाय टोटल वॉल्यूम। ये क्या है हमारा टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाइड सेम रहेगा 0.321, टोटल वॉल्यूम कितना था 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारा पोरोसिटी 0.3121। इसके बाद है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकाली, अभी निकाले थे, देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर, देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आया था 2041, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ वाइड इधर पता ही है हम लोग को, वॉल्यूम ऑफ वाइड कितना है 0.3121, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 0.041 बाय 0.321। दोनों को रेशियो निकालिएगा तो ये आएगा 0.6539, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिएगा तो 65.4% हो जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन था। तो इतना आसान होता है क्वेश्चन, अगर आपको सही से रिलेशन पता है तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, देखिए ये क्वेश्चन में आपको यही सब निकालना था, पोरोसिटी, वाटर कंटेंट, वाइड रेशियो, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, यही हमारा हो गया फेज डायग्राम। तो लास्ट पार्ट वाला जो पार्ट है ये आंसर, यही हमारा फेज डायग्राम हो गया। तो इस तरह से हम लोग फेज डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जितने भी आपको ये है सब जितने भी रिलेशनशिप पर आए उसका एप्लीकेशन है, तो एक बार आप अच्छे से प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, अगर वो रिलेशनशिप आपको अच्छे से समझ में आ रही है देन आप इजिली क्वेश्चन को लगा सकते हैं, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन सेट, क्वेश्चन नंबर 2, ए सॉइल सैंपल विद द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज 2.7, करेक्ट, हैज ए मास स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.8, एज्यूमिंग द सॉइल इज परफेक्टली ड्राई, ठीक है, डिटरमाइन द वाइड रेशियो। देखिए तीन चार कंडीशन है, पहले कह रहे हैं गिवन डेट, इसको लिख लेते हैं, सबसे अच्छा क्या होता है ना कि आप जो भी डेटा क्वेश्चन में दिया हो उसको एक बार पहले लिख लीजिए तो क्वेश्चन पता चल जाएगा हमें करनी क्या है। गिवन डेट क्या है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स दिया हुआ है जीएस 2.7 और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मास, ठीक है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 1.8, ठीक है, और तीसरा कंडीशन दिया है कि सॉइल क्या है फुली ड्राई है, डैट मीन्स क्या होगा डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होगा इसके से 0 हो जाएगी। तो ये है आपका गिवन डेटा। एक सिंपल सी फार्मूला रिलेशन हम लोग को यूज करना है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू, ये क्या होता है कि यूनिट ड्राई यूनिट वेट बाय वेट ऑफ वाटर, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ ड्राई यूनिट वेट बाय वेट ऑफ वाटर। तो ये कितना दिया हुआ है मास यूनिट वेट, ये है 1.84, करेक्ट, ये कितना है 1.84, ये कितना हो जाएगा गामा टी, तो गामा डब्ल्यू क्या आता है 9.81, बट हम लोग इस यहाँ पे कैलकुलेशन में ले रहे हैं 10 भी ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गामा डी वाई कितना हो जाएगा 10, तो गामा डी यहाँ से कितना निकल के आ गया 1.84 × 10, करेक्ट, तो ये आंसर क्या आ जाएगा ये 18.4। तो यहाँ से हम लोग का क्या निकला अभी तक गामा डी 18.4 किलोमीटर पर मीटर क्यू, बट हम लोग को निकालना क्या है वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, जी एस इक्वल टू जी एस गामा डब्ल्यू बाई गामा डी माइनस वन। आप किसी को माइंड में आएगा ये फॉर्मूला आया कहाँ से, देखिए आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे गामा बल्क इक्वल टू क्या होता है गामा डब्ल्यू जी प्लस एस सी बाई वन प्लस ए, ठीक है, ड्राई के केस में क्या होगा एस इक्वल टू जीरो हो जाएगा, अगर एस इक्वल टू जीरो है तो गामा ये ड्राई बन जाएगा, ड्राई इक्वल टू क्या हो जाएगा गामा डब्ल्यू जी प्लस जीरो इंटू बाई वन प्लस ए, डैट मीन्स गामा डब्ल्यू जी, ठीक है, वन प्लस ई। यहाँ से हम लोगों को निकालना है वन प्लस ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से गामा डब्ल्यू जी बट्टा गामा डी, तो ई इक्वल टू क्या होगा गामा डब्ल्यू जी बट्टा डी गामा डी माइनस वन। तो यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, करेक्ट। तो आपको जितने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाए उसी चीज़ को एप्लीकेशन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जी एस गामा डब्ल्यू गामा डी माइनस वन, ये कितना है जी एस दिया हुआ था 2.70, गामा डब्ल्यू 10 है, ये कितना आया बन के 18.4 और माइनस वन हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करिएगा, इसी चीज़ को क्या करते हैं हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसी चीज़ को कैलकुलेट करिएगा। यहाँ पे देखिए 10 इंटू 2.7 बाई 18.4 माइनस वन, इसी को कैलकुलेट करिएगा तो ये आएगा आपका 4.7, करेक्ट, कितना आएगा 4.047। तो यही है आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा वॉइड रेशियो। तो इस तरह से हम लोग दो एग्जांपल से आपको बता दिए कि किस तरह से क्वेश्चन आती है
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो हम लाइक मारिए, कमेंट सेक्शन से बोलिए, तो हम कंटिन्यू और क्वेश्चंस लेके आएंगे आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप भी और सब्जेक्टिव। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। ठीक है, थैंक यू।